के आर्टिकल 377 ठीक मानते हैं कि आर्टिकल 370 रूलिंग पार्टी का एक एजेंडा, लेकिन मेरी समझ में आज तक नहीं आया। मैंने दर्जनों बल्कि सैकड़ों स्पीचेस, जब मैं चौथी पांचवी क्लास से था तब से अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुने हैं। जब भी वो जम्मू आते थे और भाषण करते थे, साल में एक दो दफा आते थे, और यहाँ पार्लियामेंट इस सदन में उस सदन एज मिनिस्टर एज एमपी उनके एज प्रधानमंत्री सैकड़ों भाषण सुने। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी या इस वक्त के होम मिनिस्टर या गृह मंत्री या बीजेपी का एक लीडर, एक एमपी नहीं सुना हूं। 5 अगस्त 2019 तक जिसने किसी सभा में या किसी जगह ये डिमांड की हो या किसी मैनिफेस्टो में ये डिमांड की हो कि स्टेज के दो हिस्से और यूपी बना दिए। सर, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं और उसमें मैं समर्थन करता ले डिस्ट्रिक्ट, कारगिल भी डिस्ट्रिक्ट नहीं, ले डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख में दो डिस्ट्रिक्ट है कारगिलों ने, सिर्फ एक ले डिस्ट्रिक्ट यूनिटरिटी मांगती। मैं मानता कि अगर गवर्नमेंट ले को यूनिटरिटी देती और स्टेट को नहीं थी, लेकिन ये मेरी समझ से आज तक बाहर है। इतनी बड़ी स्टेट जो अकबर बादशाह के जमाने से लेकर आज तक इस कंट्री की सबसे बड़ी स्टेट थी और शायद दुनिया में दिल्ली के बगैर अगर किसी स्टेट को दुनिया जानती है वो कश्मीर को जानती है। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसकी ड्यूटी की वजह से दुनिया, मैं दुनिया की बात करूं, दिल्ली के बाद क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, इसके बाद अगर कोई दुनिया के सब हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और फॉरेन को पूछेंगे तो शायद कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो कश्मीर को नहीं जाने। तो उस स्टेट को हमने एक यूनियन टेरिटरी बनाते। मेरी आज तक समय वो कोई आके मुझे तो समझाए कि ये क्यों बने। सब जो बताए गए, मैं ये कहना चाहता था कि आज जितना लॉ एंड ऑर्डर है इससे 100 गुना लॉ एंड ऑर्डर जब स्टेट थी अच्छी थी, मिलिटेंसी जब गवर्नमेंट थी स्टेट थी मिलिटेंसी सबसे कम थी और आज सबसे हाईएस्ट, डेवलपमेंटल वर्क सबसे अच्छे थे जब स्टेट गवर्नमेंट दी थी, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, मैं स्टेट रन गवर्नमेंट चाहूँ। चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंटल वर्क सबसे ज्यादा चल रहे थे, आज कोई डेवलपमेंटल वर्क नहीं चल रहा। तो जो पैरामीटर्स है एजुकेशन से हेल्थ से लेकर बाकी जितने पैरामीटर, मैं उनको दोबारा नहीं बताना चाहता हूं, मैं पिछली दफा इस सदन में बोल चुका, तकरीबन 30-40 ऐसे पैरामीटर थे जो नेशनल एवरेज से भी अच्छे हैं। और क्या प्रमाण चाहिए, कोई कास्ट, कोई कम्युनलिज्म, कोई जम्मू और कोई कश्मीर के बीच में, कोई हिंदू कोई मुसलमान कोई सिख के बीच में लड़ाई लगी। सर, आज टूरिज्म खत्म हो गया, ये अभी कुछ टूरिस्ट गुलमर्ग में हमने देखे, लेकिन गुलमर्ग में कुछ टूरिस्ट जाएंगे सीधे एयरपोर्ट से उतर कर गुलमर्ग हुई 5-स्टार होटल का भला होगा, उससे कश्मीर के टैक्सी वाले का, टांगे वाले का, दुकानदार वाले का, हैंडीक्राफ्ट वाले का फायदा नहीं होगा। उससे जो छोटे हजारों छोटे होटल है, 5-स्टार 2-3 तो हैं लेकिन हजारों छोटे होटल हैं गेस्ट हाउस जिन पर लाखों लोग निर्भर हैं, क्योंकि उन होटल में जो स्टाफ है वो सब 2 साल से घरों में बैठे हैं, क्योंकि एक टूरिस्ट किसी टूरिस्ट का रेस्टोरेंट का यह जो होटल है इसका दरवाजा नहीं खुलता। तो टूरिज्म खत्म हो गया, एजुकेशन खत्म हो गई,
पहले 4-5 महीने तो सब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी 6 महीने बंद रहे, फिर कोविड आया उसकी वजह से बंद रहे, अभी तक बंद। सर उस स्टेट में डेवलपमेंट कैसे हो सकती है जहाँ 2-2 साल कॉलेज स्कूल और यूनिवर्सिटी बंद रहे। सर अब कुछ अरसे से स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने शुरू किया है ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन का 8 महीने तो टेलीफोन ही नहीं था, अब टेलीफोन है तो 2G है। सर 2G कहाँ चलता है, 4G की मांग है, वो नहीं हो रहा, इसलिए एजुकेशन भी जीरो हो गई। प्राइवेट स्कूल बंद हो गए क्योंकि प्राइवेट स्कूल ने गवर्नमेंट बताया है नो अटेंडेंस नो पे, उनके प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स थे उनको छुट्टी पर भेज दिया गया, प्राइस कंट्रोल कोई नहीं, रोड की हालत बहुत खराब। बटोर हमने सड़क हमारे वक्त से शुरू हुई थी जम्मू से श्रीनगर, उसमें 250 किलोमीटर तो तभी हमारे वक्त में हुआ था, लेकिन 20 का एक पैक बटोर से लेकर बनहाल तक 30 किलोमीटर का है, 6.5 साल से वो अभी तक नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से रोड पिछले साल तो तबाह हो गया था 2 साल पहले, पिछले साल वो 1-1 महीना सड़क पर रहा क्योंकि बनहाल और बटोर के बीच में सड़क बंद थी और वो सब रोड ट्रक में सड़क हो गया, तो ये हालत। इसलिए इस हालत हाँ मैं एक चीज के लिए बधाई देता, जो अच्छी बात है उसको बधाई देना चाहिए, आपने BDC के इलेक्शन किए थे, ये हमारी बहुत पुरानी मांग थी कि पंचायत राज सिस्टम जो राजीव जी ने शुरू किया था वो जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो हमने अपनी पार्टी में रेजोल्यूशन मूव करने के लिए, मैं यहाँ से चला गया अपनी पार्टी में रेजोल्यूशन मूव करने के लिए कि इसे लागू होना चाहिए, लेकिन कुछ कारणों से पॉल्यूशन गवर्नमेंट में कई मजबूरियाँ आती हैं, तो ये बहुत अच्छा कदम हुआ है BDC का उसके लिए सरकार को बहुत बधाई दे, अच्छी बात है इसकी अच्छी, लेकिन बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं है इस दिशा में। इसलिए मेरा सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि अगर उस स्टेट डेवलपमेंट, और मैं कई बार कह चुका शायद माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहले 2015 में याद आए कि नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसा कदम न लें जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर लद्दाख मिलाकर और नॉर्थ ईस्ट के लोग नाराज हो गए। ये बॉर्डर स्टेट हमको जो पंजाब हमको इंदिरा गांधी ने यही सिखाया, मैं बहुत छोटी उम्र में उनके साथ मंत्री बना, उन्होंने यही सीखा कि हम कई फ्रंट पे नहीं लड़ सकते, हम पाकिस्तान पे भी लड़े फिर लड़े, हम चीन से भी लड़े, और फिर जो बॉर्डर पे फौज का काम करते नहीं, ये बात मैं अभी किसान वाली बात खत्म की, कि वहां हम लद्दाख के लोग भी नाराज हो जाए, आप कहेंगे उनको यूटी मिली खुश हो गए, नहीं लद्दाख के लोग ना खुश नहीं है क्योंकि 35A में उनकी जमीन कोई भी खरीद सकता है, नौकरी पहले जब था ये आर्टिकल 370 कोई बाहर वाला नौकरी नहीं कर सकता है, आज कोई भी बाहर वाला वहाँ क्लर्क भी जा सकता है, पीओन भी जा सकता है, इसलिए वो भी नाराज है। जब आप कहेंगे जम्मू वाले खुश हैं, जम्मू वाले भी खुश नहीं है क्योंकि लैंड सबसे अगर कोई खरीदेगा बाहर वाला तो जम्मू में खरीदेगा क्योंकि पंजाब और जम्मू पास में है, कश्मीर में शायद खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। इसी तरह से जम्मू में क्यों दो दफा एक दफा तो कोर्ट की 100 पोस्ट के लिए क्लर्कल पोस्ट के लिए जगह निकली थी, ऑल इंडिया निकला एडवर्टीजमेंट, लेकिन 15 दिन में हाई कोर्ट को भी विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि आंदोलन हुआ जम्मू में, या अगर क्लर्क के लिए भी पूरा यूपी और बिहार से या तमिलनाडु कहीं से भी आएगा तो हमारा क्लर्क कहाँ से आएगा, विड्रॉ करना पड़ा। एक डिग्री कॉलेज के लिए फिर इसी तरह के छोटे लेवल के इंटरव्यूज निकले थे नेशनल लेवल के,
फिर विड्रॉ करना पड़ा, तो कहाँ है जम्मू भी नाराज, जम्मू का ट्रांसपोर्टर कहाँ नाराज है, खुश है, जम्मू का ट्रांसपोर्टर खुश नहीं है, जम्मू का दुकानदार खुश नहीं है, जम्मू का अनएम्प्लॉयड खुश नहीं है। तो कश्मीर, जम्मू और लद्दाख, माननीय प्रधानमंत्री जी ये भी खुश नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 3 साल में 2-3 प्रोविजन थे जिसकी वजह से जमीन कोई बाहर नहीं खरीद सकता, और ये पहली जगह नहीं है, हिमाचल में कोई नहीं खरीद सकता है, उत्तराखंड कोई नहीं खरीद सकता, नॉर्थ ईस्ट में नहीं कोई खरीद सकता, हमारे SC ST की जमीन कोई पूरे देश भर नहीं खरीद सकता। तो ये कोई अनुभूत चीज नहीं थी कि जम्मू कश्मीर की नहीं खा लिया सकते, ऐसा तो पूरा हिंदुस्तान में है। तो मेरी आपसे निवेदन करना है कि अगर जम्मू कश्मीर को सुदृढ़ करना है, और अगर बॉर्डर से हमने अपने दुश्मनों से लड़ाई लड़नी है, तो हमने अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में रहना है, और उनको प्यार देना है, प्रेम देना है, मोहब्बत से सीखे रखना है। तो आपसे मेरा निवेदन होगा कि बिल सदन में लाएं और स्टेट हुड को आप वापस रिस्टोर करें, और स्टेट हुड देकर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूँ कि पार्टी की तरफ से कि उन्होंने दोनों पार्टी से संबोधित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म किया नवनीत कृष्ण